नमस्कार, मैं माया। 7i न्यूज में आप सभी का स्वागत है और आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। लोकसभा चुनाव में बिगड़ते बोल के चलते चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बसपा अध्यक्ष मायावती सहित कई नेताओं की जुबान पर बंदिश लगा दी है। चुनाव आयोग ने मायावती पर 48 घंटे और सीएम योगी को 72 घंटे तक चुनाव प्रचार करने पर रोक लगा रखी है। सीएम योगी की जुबान जिसके चलते बंद कराई गई है, उसे ही उन्होंने अपना हथियार बना लिया है। चुनाव आयोग के 3 दिनों के बैन को योगी आदित्यनाथ ने बेहतर ढंग से इस्तेमाल करने की रणनीति बनाई है। योगी ने ऐसा जुगाड़ तलाश किया है जिससे वो राजनीतिक संदेश भी दे रहे हैं और चुनाव आयोग कुछ कर भी नहीं पा रहा है। अली बजरंग बली वाले भाषण को लेकर चुनाव आयोग ने योगी के चुनाव प्रचार पर रोक लगाई थी, इसलिए योगी हनुमान भक्ति के रंग में रंगे हुए नजर आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार की सरगर्मी के बीच एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। टीवी डिबेट्स में कांग्रेस का पक्ष रखने वाली पार्टी प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी ने आरोप लगाया है कि पार्टी में उन गुंडों को तवज्जो दी जा रही है जो महिलाओं के साथ बदसलूकी करते हैं। प्रियंका ने लिखा कि जो लोग मेहनत कर अपनी जगह बना रहे हैं, उनके बदले ऐसे लोगों को तवज्जो मिल रही है। पार्टी के लिए मैंने गालियां और पत्थर खाए हैं, लेकिन उसके बावजूद पार्टी में रहने वाले नेताओं ने ही मुझे धमकियां दी। पार्टी प्रवक्ता ने लिखा कि जो लोग धमकियां दे रहे थे वह बच गए हैं। इनका बिना किसी कड़ी कार्रवाई के बच जाना काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। आपको बता दें कि प्रियंका चतुर्वेदी ने एक ट्वीट को रीट्वीट करते हुए संदेश को लिखा, इसके साथ एक चिट्ठी भी जुड़ी हुई है। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद विश्वविद्यालय में छापेमारी के दौरान पुलिस ने बम और असलाहे बनाने के उपकरण बरामद किए हैं। पुलिस की छापेमारी में 58 कमरों को सील किया गया है और कई गाड़ियां भी बरामद है। पुलिस की छापेमारी के दौरान छात्रावास में छात्रों में अफरा तफरी का माहौल रहा। पुलिस ने इस कार्रवाई में कमरों की गहन तलाशी ली और अवैध रूप से कब्जा जमाए छात्रों को कमरे से बेदखल किया। पुलिस ने हॉस्टल को खाली कराने के लिए अर्धसैनिक बलों की भी मदद ली और भारी मात्रा में पुलिस फोर्स छापेमारी की कार्रवाई के दौरान मौजूद रही। साथ ही समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ऋचा सिंह ने प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने ट्वीट कर छात्रावास पर की गई छापेमारी के खिलाफ ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट किया है कि इलाहाबाद जिला प्रशासन और विश्वविद्यालय प्रशासन अपनी नाकामी को छिपाने, अराजकता और अपराध पर लगाम लगाने में असमर्थ है। अपनी नाकामी का ठीकरा छात्रों पर फोड़ने के लिए विश्वविद्यालय के छात्रावासों में रहने वाले आम छात्रों को जिला प्रशासन अपनी कुंठा का शिकार बना रहा है। इंदौर से दावेदार माने जा रहे कैलाश विजयवर्गीय नहीं लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने लोकसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। कैलाश विजयवर्गीय ने बुधवार को ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। बीजेपी महासचिव ने ट्वीट कर कहा है कि इंदौर की जनता, कार्यकर्ता व देशभर के शुभ चिंतकों की इच्छा है कि मैं LS चुनाव लड़ूं, पर हम सभी की प्राथमिकता समृद्ध भारत के लिए नरेंद्र मोदी को पुनः PM बनाना है। पश्चिम बंगाल की जनता मोदी के साथ खड़ी है, मेरा बंगाल में रहना कर्तव्य है। अंततः मैंने चुनाव न लड़ने का निर्णय लिया है। आपको बता दें कि कैलाश विजयवर्गीय लोकसभा चुनाव के लिए इंदौर सीट से पार्टी के सशक्त दावेदार माने जा रहे थे। विजयवर्गीय ने आगे लिखा कि आशा है आप भी देश हित एवं पार्टी हित के मेरे निर्णय से सहमत होंगे व पार्टी जिन्हें भी प्रत्याशी बनाएगी उनकी जीत के लिए जी जान से जुट जाएंगे। मेरी न सिर्फ इंदौर बल्कि पूरे देश के मतदाताओं से विनती है कि NDA जैसी मजबूत सरकार एवं मोदी जी जैसे मजबूत PM के लिए मतदान करें, यही विनय है। सलमान खान की फिल्म भारत ईद के मौके पर रिलीज हो रही है। इस फिल्म की रिलीज से पहले फिल्म के कई पोस्टर्स रिलीज किए गए हैं। इन पोस्टर्स में सलमान खान का यंग और ओल्ड लुक नजर आ रहा है। फिल्म भारत में सलमान के साथ कटरीना कैफ और दिशा पटानी नजर आने वाली हैं। करेली में सफेद पुल से गोगावली के बीच ऐसी 8 से 9 गाय मिली जिन पर गर्म चाशनी व तेजाब डालकर बुरी तरह घायल कर दिया गया। लोगों के द्वारा बताया गया है कि ये कृत्य गुड़ भट्टी वाले ने किया है, जो कि कुछ गायों के द्वारा नुकसान को लेकर हो सकता है, जिसे लेकर बजरंग दल ने करेली थाने में जाकर सब इंस्पेक्टर आशुतोष उपाध्याय को ज्ञापन सौंपा। जिन्होंने ये कृत्य किया है उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, अन्यथा बजरंग दल के द्वारा उग्र प्रदर्शन करने की चेतावनी दी गई है। वहीं पुलिस द्वारा आश्वासन दिया गया कि आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। 7i न्यूज चैनल के लिए राहुल रघुवंशी, करेली जिला नरसिंहपुर।
दमोह जिले के पथरिया थाना अंतर्गत ग्राम वकेनी में एक अधेड़ की हत्या कर देने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस मामले में खेतों के विवाद के चलते पुराना विवाद बताया जा रहा है। मामले के मुताबिक मृतक राम किशन जब गांव में अपने खेत देखने के बाद वापस लौट रहा था, इसी दौरान गांव में ही घात लगाए बैठे आरोपी रंजीत राजपूत, मुकेश कल्लू सहित अन्य लोगों ने रामकिशन पर बंदूक से हमला कर दिया, जिससे सबसे पहले रामकिशन के पेट में गोली लगी। वहीं उसके बाद आरोपियों ने गले में गोली मारकर उसको मौत के घाट उतार दिया। इस मामले में मृतक के भाई ने बताया कि करीब 10 साल पहले मृतक रामकिशन ने आरोपियों के परिजन की हत्या की थी, जिस मामले पर ये लोग सजा काटकर जेल से करीब 2 माह पहले छूट गए थे। वहीं घात लगाए बैठे आरोपियों ने रामकिशन की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू करती है। भाजपा के प्रदेश कार्यालय में बैठक संपन्न हो गई है। पार्टी की अधिकृत घोषणा के अनुसार भोपाल से साध्वी प्रज्ञा सिंह का नाम तय हो गया है, जबकि गुना से केपी यादव, विदिशा से रमाकांत भार्गव और सागर से राज बहादुर सिंह भाजपा प्रत्याशी बनाए गए हैं। आपको बता दें कि भाजपा प्रदेश कार्यालय में बंद कमरे में बैठक में बीजेपी के राजनीति के कई दिग्गज खिलाड़ी मौजूद रहे। बताया जाता है कि इंदौर सीट का मामला अभी भी उलझा हुआ है। मध्य प्रदेश के राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा है कि आकाशीय बिजली गिरने के चलते 21 लोगों की मौत हो गई है। वहीं आरबीसी 6.4 के प्रावधान के अंतर्गत मृतकों के 4 लाख की मदद दी जाएगी, साथ ही घायलों की हर संभव मदद की जाएगी। वहीं पीएम के गुजरात को लेकर किए गए ट्वीट पर उन्होंने कहा कि सरकार में आने के बाद बीजेपी के नेताओं की मानसिकता बदल जाती है, लेकिन मोदी को यह समझना होगा कि अब वो गुजरात के सीएम नहीं देश के पीएम हैं। घायलों पर डिपेंड करता है कितने घायल हैं, ज़्यादा घायल है तो 2 लाख की मुआवजे की व्यवस्था रहती है, आरबीसी प्रावधान है, और कम घायल हैं तो उनके लिए 60,000 का प्रावधान है। सर, प्रज्ञा ठाकुर का नाम लगभग फाइनल हो गया है भोपाल से दिग्विजय सिंह के सामने, तो क्या लगता है कितनी चुनौती दे पाएंगे, क्योंकि उनको प्राथमिक सदस्यता तक बीजेपी की आज मिली है? मुझे नहीं मालूम कितनी मिल पाएगी, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ कि प्रज्ञा ठाकुर को राजनीतिक मैं शायद ही कोई गंभीरता से लेता हूँ, राजनीति में कोई बहुत बड़ा योगदान तो उनका है नहीं, और इतने बड़े भोपाल कैपिटल में जहाँ पर राजधानी है उसका प्रत्याशी बनाना ये समस्या परे है। और निश्चित रूप से प्रज्ञा जी के सामने दिग्विजय सिंह जी भारी मतों से जीतेंगे। सर, एक चीज और कहना, जिनके ऊपर सागर जिले के नगर केसली में जैन बंधुओं ने जगह जगह रंगोली चौक डालकर पूजा अर्चना की एवं नगर में तीर्थ कर महावीर स्वामी जयंती पर जैन समुदाय द्वारा नगर के प्रमुख मार्गों से श्री जी की विमान यात्रा निकाली गई। जैन समुदाय के लोगों ने जगह जगह रंगोली चौक डालकर विमान जी में बैठे श्री जी की पूजा अर्चना की। साथ ही जनपद अध्यक्ष अतुल भाई देवड़िया ने श्री जी की आरती उतारकर पूजा अर्चना की। बड़े जैन मंदिर से श्री जी की विमान यात्रा प्रारंभ होकर नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए विद्युत मंडल चौराहा से वापस होकर बड़े जैन मंदिर में समापन हुआ। वहीं विमान यात्रा में सैकड़ों की संख्या में जैन बंधु सहित महिलाएं शामिल रहीं। केसली से मनोज सरोठिया की रिपोर्ट। फवारा चौक पेट्रोल पंप में आए दिन चोरियां होती रहती हैं। ऐसी घटनाएं यहां के पेट्रोल डालने वाले कर्मचारियों द्वारा ग्राहकों को रोज ठगते हैं और पकड़े जाने पर अपनी दादागिरी की धाक जमा कर उनसे बदतमीजी करते हैं। आज ऐसा ही एक घटना युवा समाज सेवी देवी सिंह चौरे के साथ हुई। आज जब वो पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डलवाने गए तो उन्होंने 100 रुपए का पेट्रोल मांगा, जिसकी राशि उस पंप कर्मी ने पंप पर 100 रुपए अंकित करके पेट्रोल डाला, लेकिन तुरंत कहता है कि मैंने 160 रुपए का पेट्रोल डाल दिया है, जबकि पेट्रोल 100 रुपए का ही डाला गया, और जब 60 रुपए और देने की बात की गई तो उससे इनकार कर दिया। इसके पहले भी इस पेट्रोल पंप पर इस तरह की ठगी हो चुकी है, और सोचने वाली बात यह है कि देवी सिंह चौरे, जो कि छिंदवाड़ा के प्रतिष्ठित समाजसेवी हैं, अब इस पेट्रोल पंप में ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्तियों को ठगने से ये कर्मचारी नहीं डर रहे हैं, तो आम आदमी का क्या होता होगा। कैमरामैन देव पाठे के साथ जिला ब्यूरो नकुल विश्वकर्मा की खास रिपोर्ट। वो छोड़ो, यहाँ का कुछ जीरो हुआ था। एक मिनट,
मैंने उस लड़के को बोला, मैंने उस लड़के को बोला कि यहाँ 100 दिखा रहा है, उसको समझ में आया जी नहीं ना भाई, मेरे क्यों जीरो कर दिया उसने पहले, मैंने जीरो करा क्या, मैंने जीरो करा, मैं क्या बोल रहा हूँ, जीरो करा क्या, नजर नहीं रखना था उसको, बोलना था सर ये देखो यहाँ 100 लिखा है 107, अच्छा तुम्हारे कहने का मतलब है उन्होंने नजर क्यों बात नहीं कर लगा, मैं तेरे को उस टाइम पे बोला कि वहाँ 100 दिखा रहा है नीचे, ऊपर का पेट्रोल 160, वो नहीं कह रहा तेरे को नोजल नहीं रखना था ना, मेरे को दिखा देना था जाके, दिखाया था ना आपको, 100 लिखा था वहाँ, 100 लिखा था, 160 नीचे 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 जो इंटरऑफ अमाउंट है वो 100 है, 100 दबाया तूने, मैंने खुद ने देखा, मैं रोज देखता हूँ, सर वो कहाँ से 160 हो गया भाई, 160 रुपए का पूरा पेट्रोल डला ना, 160 रुपए का पूरा पेट्रोल डला ना वहाँ नीचे, आपका उतना ध्यान इतनी दूर से दिखता है क्या, एक बात बताओ, चलो वहीं खड़े हो, अरे नजर कमजोर नहीं है बेटा मेरी, नजर नजर कमजोर, सुनो अपने आप जीरो हो जाती है, एक मिनट सुन, मेरा रिजर्व लगने के बाद जो पेट्रोल बचता है आपका जो था वो था, ठीक है हमारा निकाल लेने तो बात खत्म, एक बात ही खत्म हो जाती है, एक मिनट सुन, ये तुम लोग पेट्रोल है यार 160 निकाल। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कई मुद्दों पर बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि मोदी पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, कांग्रेस ने घटिया राजनीति के चलते भेदभाव का आरोप लगाया है, कांग्रेस सरकार ने बिना मदद मांगे केंद्र पर आरोप लगाया, मैंने सीएम रहते हमेशा तत्काल सहायता का प्रबंध किया, केंद्र का इंतजार नहीं किया, उन्होंने ये भी कहा प्रदेश सरकार जल्द से जल्द पीड़ित किसानों को मदद मुहैया कराए, साथ ही आरोप लगाया है कि राज्य में कई जगह ठीक से खरीदारी नहीं हो रही है, कई फसलों का किसानों को नहीं हुआ, ई टेंडरिंग पर बोले हैं कि अपनी सरकार रहते हमने ही जांच के आदेश दिए थे, जांच करा के कांग्रेस बदले की राजनीति कर रही है, देश में अब भाजपा की आंधी है, देश की जनता मोदी के साथ है, लाइन लगाए दो दो तीन तीन दिन किसान खरीद ट्राई नहीं ले, खरीदी नहीं ढंग से की जा रही, भुगतान नहीं हो रहा, कई जगह किसान लाइन लगा के खड़ा, पैसा नहीं मिल रहा, सोयाबीन के 500 रुपया क्विंटल आपने नहीं दिए, धान पे बोनस आपने नहीं दिया, छत्तीसगढ़ 2500 रुपया दे रहा है, आप क्यों देख रहे हैं, मध्य प्रदेश के किसानों ने क्या कम मेहनत की है, क्या उसके पसीने की कीमत नहीं है, छत्तीसगढ़ 2500 दे और आप 1750 दे, मैंने घोषणा की थी कि हम किसान को धान का भी बोनस दें, उड़द का मूंग का भावांतर नहीं दिया है, धान के पैसे का भुगतान नहीं हुआ, अब कम से कम संकट के समय तो किसानों के बीच में जाए और सहायता करें, राजनीति ना करें। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, बने रहिए 7i न्यूज के साथ, नमस्कार, खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और 7i न्यूज को सब्सक्राइब करिए।